अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? ईद मुबारक सबको। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को बेहद ईद मुबारक कबूल हो और ईद उल अज़हा की मुबारक। और अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की खैर बरकत अता फरमाए। असल में ईद कल थी यहाँ पे यूके में, लेकिन कुर्बानी का गोश्त आज मिला है सबको। तो ये मैं खड़ी हूँ इसके साथ, ये देखिएगा अभी आपके सामने खोलते हैं, तो फिर दुआ करते हैं और फिर जहाँ जहाँ देना देते हैं। अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अगर रही है मेरे साथ, देखते हैं गोश्त में अलग अलग करके वो देते हैं पैकेट में, आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, एक दो और तीन चार पाँच पैक्स हैं माशाल्लाह से, बकरे की कुर्बानी की है हमने, अल्लाह कबूल फरमाए। और देखते हैं इसको निकालते हैं क्या क्या है, अलग अलग बस कटा कटाया घर आ जाता है। और इसको मेन जो काम होता है आपको पता ही है, मुश्किल काम, इसको संभालना, बांटना, फ्रिज में रखना। तो अभी करती हूँ मैं ये सारे काम, आप मेरे साथ रहिएगा। बैग में कम लग रहा था, डाला तो बैग पूरा हो गया, बोला तो ज्यादा लग रहा है। ये देखें बीबी, तीन माशाल्लाह बैग्स पड़े, ये देखिए माशाल्लाह उन्होंने कीमा खुद ही बना के दे दी है। ये हमें एफर्ट भी करनी पड़ेगी, दोबारा जाना पड़ता है, हमारे बड़ा अच्छा ही है। तो ये भी एक और बैग लेट का माशाल्लाह से, बाकी बड़ा बकरा लग रहा है, वेट नहीं पता किया हमने कितने, लेकिन गोश्त से पता चल रहा है ये 20 kg तक को लग रहा है मुझे। अरे काफी रह गया, देखते हैं इसमें से, हाँ 20 kg तो होगा। लग नहीं रहा, लगता दो बकरों पे अच्छा अभी वो अंग्रेजी लग रहा है, अभी फ्राई के लिए भी लग रहा है माशाल्लाह। अभी तो बैग पूरे नहीं खुले हैं, कीमा मैंने दे दी साइड तो, अरे हमें बोले हमें याद है ना, कुछ अच्छा किया है मैंने, कर कितना किलो हो गया जी, और फिर रहे हैं इसमें, ये तो 3 किलो लग रहा है, नहीं 5 किलो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिएगा कीमा बना बनाया मिल गया, और ये है अल्लाह कबूल फरमाए कुर्बानी को। कुर्बानी का गोश्त जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बेटे दो दूसरे उधर रहते हैं यूरोप की दूसरी कंट्री में, उन्होंने भी कुर्बानी की थी, एक बकरा यहाँ कुर्बानी किया गया था और एक बकरा वहाँ। तो देखिए उनका भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह 30 kg का था उनका भी बकरा, और अच्छे हेल्दी जानवर मिल गए थे और अल्लाह कबूल फरमाए। बस वो दोनों भाई लगे हुए गोश्त बनाने, और मतलब ये है कि पैक करने, बना बनाया तो मिल जाता है शॉप से। मुबारक, आप भी बोल दो ईद मुबारक जी। व्यूअर्स, सबसे पहले मैरिनेशन सबकी इकट्ठी कर लूंगी मैं, ताकि इजी हो जाता है। अगर आप इस तरह कर लेंगे बकरा ईद पे तो बहुत इजी तरीके से, कैसे आपने करना, अपना टाइम सेव,
सबको मैरिनेट करके रख दीजिए, फिर जो बनाना हो बना के निकाल के बना लीजिए। तो सबसे पहले मैरिनेट करूंगी चॉप्स और टिक्का बोटी जी। तो ये देख लीजिए क्या, सबसे पहले चॉप्स को मैरिनेट करने जा रही हूँ। इस तरह मैंने आपसे कहा है ना दोस्तों कि ये काम इजी हो जाता है, क्योंकि ख़वातीन का बहुत ज़्यादा काम होता है ऑलरेडी बकरीद के दिन, और अगले दिन भी, बल्कि 3 दिन ही काम होता है। तो दावतें भी चल रही होती हैं, तो अब ख़ुद भी खाना पीना होता है गोश्त की डिशेज़। तो कुछ ऐसा खाना चाहिए एक तो जो बहुत ज़्यादा भारीपन ना करे। और ये देखिए जिस तरह मैं मैरिनेट करूँगी चॉप्स को, इसमें अजवाइन भी शामिल करूँगी, इसमें लेमन जूस भी शामिल करूँगी, भुना कुटा ज़ीरा भी डालूंगी, और धड़ा मिर्च, ब्लैक पेपर जो बादी को और इस तरह की चीज़ों को, भारीपन को ख़त्म करता है, वो भी ऐड करूँगी। तो इस तरह ये सारा करने से ना, और दूसरी बात ये कि बहुत इसको रिच बनाने के लिए और सॉफ्ट करने के, थोड़ा सा कलर आप डालना चाहे तो डालें, वरना इस तरह भी रह सकते हैं फूड कलर, और मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छी हेल्दी डिश बन जाती है, और ज़्यादा उसमें भारीपन भी नहीं होता। और मैं फ्रेश गार्लिक भी इसमें डालूँगी, और उसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड करूँगी थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ये जिंजर पाउडर भी है, और फ्रेश जिंजर भी ऐड किया, और जिंजर पाउडर भी थोड़ी सी ऐड करूँगी। तो ये चीज़ों को और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। रेसिपीज़ तो वही होती हैं, बस मसालों का ऊपर नीचे होता है कि किसी में क्या डाल देते हैं किसी में क्या, तो वो टेस्ट को अलग करती है। वरना मसाले तो सिर्फ घर के मसालों से आप देखिएगा, मैं इनको मैरिनेट करती हूँ, और बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे। और बहुत मज़ा आया था खा के, अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और पपीते का जो पेस्ट है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं इस वक्त भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया था चॉप्स में, बाकी चीज़ों में तो किया था। ये मैरिनेट करके होता है ना कि एक जगह आप खड़े हैं, मसाले आपके पास पड़े हैं, मुख्तलिफ मटन के हिस्से जो हैं आपके पास हैं, तो आप फ़ौरी तौर पे उन्हें सबको मैरिनेट करके फ्रीज़र बैग में, जिस तरह भी रखना चाहें, बॉक्स में रखना चाहें, तो उनको उसमें स्टोर करके तो रख दीजिए। और जो भी अगर इकट्ठा सब कुछ दावत है, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों का पोर्शन करना है, तो निकाल के तो फटाफट, मैंने ओवन में बनाई है तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, वरना देखचे में भी लो हीट पे रख दें तो वो भी बनता रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छी जो इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड किया, वो है फुल क्रीम, फ्रेश क्रीम जिसे आप कहते हैं। वो उसका ऐड करने का मकसद क्या है कि एक तो ये जूसी बनता है, और दूसरा इसके जो होते हैं ना, एक गर्मी जो मीट की, वो भी उसकी मारी जाती है, बहुत ज़्यादा वो गर्मी है ना, तो इस वजह से मीट का वो होता भी गर्म है ज़रा उसकी तासीर। तो फ्रेश अदरक लहसुन भी डाला, फिर उसके बाद ये टिक्का बोटी आ गई, उसको मैरिनेट कर रही हूँ चॉप्स को मैरिनेट करने के बाद, और फ्रीज़र बैग में डाल के रख दिया था मैंने उसको। और इसके बाद टिक्का बोटी की उसी बाउल में, कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मसाले हैं तो कोई बात नहीं, उसको वॉश ना भी करें तो कोई बात नहीं, वही मसाले हैं, वही मतलब नमकीन ही हमने बनाना है ना, मीठा तो नहीं बनाना। तो इसी तरह लेमन जूस वगैरह, इस पर फ़र्क ये है कि इसमें मैंने जो ड्राई पाउडर वगैरह शायद वो नहीं डाला, और दूसरी चीज़ें मैंने डाली थी। मर्ज़ी आपकी, आपकी मर्ज़ी है, फ्रेश डालें या जिंजर गार्लिक पाउडर डालें, जो भी डालें, या दोनों एक साथ डालें। और ये साथ में बातें कर रही थी अपने बेटे या बेटी से, मुझे नहीं याद, लेकिन मैं बातें कर रही थी। ये देखिए पपाया में जो एक छोटा साइज़ का है, ज़रा थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं है, और इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके अब इसको मैश कर लूँगी। और ये मैश किया हुआ ज़रूर डालिएगा पेस्ट इसका, या मीट टेंडराइज़र डालिएगा, फिर तो टिक्के बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे मैरिनेशन में जब इसको डाल देंगे। ये देखिए तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको डाल दिया था, और बाद में मैंने चॉप्स में भी डाल दिया था। और इस तरह करके अच्छी तरह मिक्स हाथ से ही करना चाहिए, ग्लव्स पहन के, क्योंकि हाथ से जो मैरिनेशन होती है। देखिए ये मैंने फ्रीज़र बैग में डाल दिया, और इसके बाद बारी आ गई जी कलेजी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम होता है ना हमारे ईद का, सबको ही पता है बकरीद का वो यही होता है कलेजी, सबकी नज़र इस पर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा और बेटी बिल्कुल नहीं खाते, उन्हें जो भी कर लें उसमें स्मेल आती है, हालांकि बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। जिस तरह मैं बनाऊँगी इस तरह बना के देखिएगा। थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर इसमें डाला, और फ्रेश जिंजर गार्लिक भी थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 टीस्पून तकरीबन, जितनी कलेजी, पूरी बकरे की एक कलेजी है, उसको छोटे छोटे पीसीस में कट किया, उसको धोया, उस स्ट्रेनर में रखा, और उसके बाद ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसमें जो भी मेजर होते हैं हमारे, भुना कुटा ज़ीरा हो गया, धड़ा मिर्च होगी, ब्लैक पेपर होगी, इसमें भी थोड़ी सी बलाई मैं ज़रूर डालूँगी। बलाई नहीं है तो आप योगर्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस साथ डालिएगा, और थोड़ा सा पपीते का मैंने इसमें भी डाल दिया ताकि हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहता है ना, जिससे
मीट और कलेजी का एक टिप आपको देती हूँ कि कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जितना पकाएंगे उतना हार्ड होती जाएगी। ये तीनों चीज़ें मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा ये पुलाव बनाना है, और आपको पता ही खाने तो ज़्यादा ही बनते हैं और गोश्त की डिशेज होती हैं, तो क्या क्या बंदा नहीं बना सकता ना इससे। तो ये पुलाव की रेसिपीज़ बहुत दफ़ा, मटन यखनी पुलाव की बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही। अगर कहेंगे तो फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी आपके साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारे जो सिनेमन स्टिक्स वगैरह जितने भी होल स्पाइसेस हैं वो सारा कुछ डाल के, ब्लैक पेपर, क्यूमन और क्लोव्स, और क्लोव्स जो होते हैं सॉरी, और सारी चीज़ें डाल के, बे लीफ वगैरह। तो इसमें गोश्त डाला है मैंने, तकरीबन हाफ के जी मटन था, और उसके बाद पानी डालूंगी और आहिस्ता चूल्हे अदरक लहसुन डालूंगी और एक टमाटर काट के डाल दूंगी, प्याज डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी पुलाव यखनी बनाने के लिए ज़रूर डाला कीजिए। ये भी एक टिप है कि यखनी बनाने के लिए जब आप हल्की सी हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, तो एक तो यखनी का रंग बहुत प्यारा रहता है, ख़राब नहीं होता। और ये छोटी इलायची ज़रूर डाला कीजिए, ज़रा जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना सौंफ, ये सौंफ डाल रही हूँ, उससे ये चीज़ें मर जाती हैं, उसकी स्मेल वगैरह ना होती तो नहीं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त, तो उसके धो के स्ट्रेनर में डालेंगे फिर बिल्कुल भी नहीं होता। मेन वाइज मैंने उसमें पानी डाला और नमक वगैरह डाल के तो प्रेशर कुकर बंद कर दिया और उसको स्लो आंच पे पकने दूंगी। और मैंने कहा मैं अपना टाइम सेव करती हूँ, चपली कबाब क्यों ना बना लिए जाए साथ। तो कीमा तो पहले से बना बनाया था, उन्होंने गोश्त के साथ ही दे दिया था शॉप वालों ने, कीमा खुद ही बना के, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कुर्बानी के गोश्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें चपली कबाब की बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर कहेंगे तो दोबारा से किसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगी इसकी रेसिपी। और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा जिस चीज़ की भी रेसिपी आपको चाहिए होगी, जितनी भी चीज़ें मैंने मैरिनेट की हैं तो मैं आपको रेसिपी बता दूंगी उस चीज़ की, एक नई वीडियो बना लूंगी। तो उसके बाद मैंने उनको भी मैरिनेट करके रख दिया फ्रिज में अच्छी तरह से, उसको टोमेटोज़ वगैरह डाल के और प्याज डाल के, अदरक लहसुन सब कुछ डाल के उसको मैंने रख दिया फ्रिज में। और इस तरफ मैं कलेजी की तरफ आ गई, मैंने कहा चलें अब पकाने का काम शुरू करते हैं। और काफ़ी सारी डिशेस मैंने बनाई थी माशाल्लाह से, आप देखिएगा टेबल सज जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर तिक्का बोटी सीख पे बहुत एहतियात से लगा रही थी क्योंकि बहुत शार्प थी ये सीख, और मैंने तो इजी काम किया, मैंने सबको करके और मैरिनेशन को और सीखों वगैरह पे लगा के और चपली कबाब को भी बना के ओवन ट्रे में डाल के, और इसी तरह तिक्का बोटी को, तो सबको चॉप्स वगैरह को मैंने ओवन में ही बेक किया था सबको, सिवाय कलेजी के। कलेजी मैंने इस तरह थोड़ा सा ऑयल लिया था, बस उसमें कलेजी डाली थी जो मैरिनेट हुई थी और थोड़ी देर भुना था, और ऊपर चाट मसाला, खटाई पाउडर डाला और लेमन जूस डाल के, ये देखिए हरा धनिया डाला, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लुक भी आ रही है और टेस्टी भी बहुत है। और ये चप्पल कबाब को भी इसमें अरेंज कर लिया था बना के इनको मैंने, तो इन सब को अरेंज करके मैंने रख दिया था एक एक रैक में ओवन में। और ये चॉप्स मैंने निकाल लिए, इनको भी अरेंज किया, बस थोड़ा थोड़ा ऑयल अभी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा ऑयल जब हाफ डन हो जाएंगी उस वक्त डालूंगी। तो ओवन को प्री हीट कर लीजिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स होगा प्री हीट, तो बहुत ही अच्छा आपका ये हो जाएगा ना, प्री हीट हो जाएगा, हल्का हल्का ऑयल डालिए। और ओवन में बेक करने का एक तो टाइम सेविंग हो जाती है व्यूअर्स, और दूसरा ये बात होती है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। देखिए नॉमिनल ऑयल अभी डाला है मैंने, और बाद में जब आधा घंटा गुजर जाएगा, जैसे 1 आवर के लिए मैंने रखा था इनको, तो आधा घंटा गुजर जाएगा तो फिर मैं इन पर और ब्रशिंग कर दूंगी ऑयल की। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हुए हैं। और ये पुलाव को देखिएगा आप माशाल्लाह से, फ्रेश मीट की तो बात ही और है ना, और हमारी टेबल सज चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आप भी हमारे साथ खाना इंजॉय कीजिए, होपफुली सबके घरों में ऐसे ही हुआ होगा। और मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया है मैरिनेशन का, और ये बताया कि कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं और थोड़े वक्त में कैसे ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, दुआओं में याद रखिएगा और खाना इंजॉय कीजिए।